रेनडियर, ये जो जानवर होते हैं ना, इनका आंख बहुत अनोखा होता है। गर्मी के समय इनका आंख गोल्डन कलर का होता है, बट ठंडे के समय ये ब्लू कलर में बदल जाता है, ताकि विंटर नाइट्स में ज्यादा लाइट आंखों में जा सके। और जैसे गर्मी आती है, ये वापस गोल्डन कलर में बदल जाती है। फैक्ट नंबर 29, कॉर्न जो होता है वो आपको पता ही होगा कि वो खाने में यूज होता है, बट क्या आपको पता है कि कॉर्न जो होता है वो बहुत सारे नॉन फूड आइटम्स में भी काम आता है, जैसे पटाखे, ग्लू, पेंट, लॉन्ड्री डिटर्जेंट, साबुन, एंटीबायोटिक्स, कॉस्मेटिक्स और प्लास्टिक्स। जी हाँ, मकई इन सब चीजों में भी काम आता है। रियली? फैक्ट नंबर 28, डेविड एवनर, ये एक एक्सटेंसिव बॉडी मॉडिफिकेशन के शौकीन इंसान थे, और इन्होंने अपने फेस पे 14 बार सर्जरी किया था, एक रियलिस्टिक एनिमल का लुक पाया था। इन्हें स्टॉकिंग कैट के नाम से भी जाना गया। इन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मोस्ट परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशंस टू लुक लाइक एन एनिमल, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था। पर 5 नवंबर 2012 को इन्हें अपने गैरेज में मरा हुआ पाया गया। इनकी मौत एक मिस्टीरियस मौत थी, और रीजन आज तक भी अननोन है। फैक्ट नंबर 27, कीड़े कितने छोटे होते हैं। छोटे छोटे वर्म्स को तो आप देखे ही होंगे, और बहुत सारे यूनिक टाइप के इंसेक्ट्स, बट इसको देखो। इस इंसेक्ट का नाम है आर्थोप्लेयरा, और ये 2.5 meters तक लंबा पाए जाते थे। ये आज से करीब 295 से 345 मिलियन साल पहले पाए जाते थे। फैक्ट नंबर 26, यूके के कॉर्नवेल जगह पे स्टीव लीच नाम का एक इंसान अपने डेली रूटीन पे काम कर रहा था, दूध को डिलीवर करने का काम। तभी अचानक से वो देखा कि एक शॉप में बहुत भयंकर आग लग गई थी, और सब कुछ उसके चपेट में आ रहा था। वो उतरे और अपने सारे मिल्क के कैंस को फायर में डालने लगे, और आग को फाइनली बुझा दिया। दूध से ही वो आग को बुझा डाले, और कई 100 लोगों की जान बचाई। उन्हें हीरो मिल्कमैन ऑफ द मिलेनियम का भी अवार्ड मिला। फैक्ट नंबर 25, एक वाइन का बॉटल है, आप इसे देखो। ये वाइन का बॉटल 1650 साल पुराना है, और ये जर्मनी के एक टॉम्ब के अंदर से मिला था। ये वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट अनओपेंड वाइन का बॉटल है, मतलब आज तक इसे नहीं खोला गया। दैट्स रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 24, अकॉर्डिंग टू H.H. मिशेल, जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, ब्रेन 73% वाटर है, और बाकी 38% जो नॉन वाटर मैगी टाइप का जो होता है, उसमें से एक्चुअली 60% फैट से बना होता है। इसलिए फैटी एसिड्स जैसे ओमेगा 3, जिसके बारे में आप सुने होंगे, वो इतना एसेंशियल है प्रॉपर ब्रेन फंक्शनिंग के लिए। फैक्ट नंबर 23, जब एक बच्चा जन्म लेता है, तब उसके ब्रेन में 100 billion न्यूरॉन्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं जन्म के टाइम। जब किसी माँ के पेट में बच्चा डेवलप हो रहा होता है, शुरू से इतने छोटे से सेल से, तब से लेकर जन्म तक उसके ब्रेन में 2.5 lakh न्यूरॉन्स हर सेकंड बन रहे होते हैं, और वो हर सेकंड बनते रहता है जब तक वो जन्म नहीं लेता। फैक्ट नंबर 22, साल 1742 के पहले सेल्सियस स्केल, ये जो होता है टेम्परेचर मापने वाला, वो ऐसा होता था ना कि 0 degrees मतलब होता था गर्म, और 100 degrees सेल्सियस मतलब होता था ज्यादा ठंडा। फिर साल 1743 में जीन पेयर, इन्होंने प्रपोज किया इसको उल्टा करने का, देन उसी का आज हम लोग यूज करते हैं, ज्यादा मतलब गर्म और कम मतलब ठंडा। फैक्ट नंबर 21, क्रूसिफिक्स मेढक, ये ऐसे मेढक होते हैं, और ये एक ग्लू को निकाल सकते हैं अपने शरीर से, और ये दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लू है नोन टू मैन। वो इस ग्लू को इंसेक्ट्स मार के खाने के लिए यूज करते हैं। फैक्ट नंबर 20, जब भूख लगी रहती है, तब जो पेट के अंदर आवाज करता है, वो एक्चुअली आपके पेट के अंदर के इस पार्ट इंटेस्टाइन से आता है। पेट के अंदर के वो सारे कंटेंट को आगे ढकेलता है, ताकि बचा खुचा इंटेस्टाइन पे चिपके हुए खाने को ही यूज कर ले बॉडी, जब तक नया खाना नहीं आ जाता। फैक्ट नंबर 19, क्या आपको पता है कि उड़ने वाले ओवरबोर्ड्स, यानी फ्लाइंग ओवरबोर्ड्स विथ जेट इंजन भी इन्वेंट हो चुके हैं। जैसे सुपर हीरो मूवीज में हम लोग उड़ते हुए देखते हैं ना, वैसा एक्चुअली में इन्वेंट हो चुका है। फ्रैंकी ज़ेपाटा ने वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लाइंग होवरबोर्ड बनाया है। हो सकता है कि साल 2030 में पिज्जा डिलीवरी गाइस ऐसे ही, यू गेस्ट इट। फैक्ट नंबर 18, ये इन्फो बहुत बड़ी है, और शायद ही किसी को पता है। साल 2018 में अफ्रीका के बीच से धरती डिवाइड होने लगा,
लिटरली, और एक नया समुद्र का जन्म होने वाला है दोनों लैंड मासेस के बीच में क्रैक आने के चलते। आने वाले 10 मिलियन यानी 1 करोड़ सालों में एक नया कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा। टेक्टोनिक प्लेट्स धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 17, प्लूवोफाइल उन लोगों को कहते हैं जो कि बारिश को बहुत पसंद करते हैं। उनको प्लूवोफाइल कहते हैं, बट इन जनरल बारिश का मौसम सबको ही यूनिक लगता है। ये एक बहुत ही डीप बात है सब कॉन्शियसली। बारिश हमें इसलिए पसंद होता है क्योंकि ऐसे नॉर्मल वेदर में ये फील होता है कि सब अपने लाइफ में लगे हुए हैं, सब रश में है। बट जब बारिश होती है तब एक यूनिटी वाली फीलिंग आती है, ऐसा लगता है सब घर पे ही होंगे, मैं भी घर पे हूँ। लाइफ में एक पॉज मिलता है सबको और एक पीसफुल फीलिंग आती है। फैक्ट नंबर 16, जर्मनी में एक ब्रिज है, मैरेन ब्रकल ब्रिज, और इसका ये व्यू देखो, इस एंगल को देखो, दो पहाड़ों के बीच में ऐसे कंस्ट्रक्ट किया गया है इस ब्रिज को, और इस ब्रिज पे लोग आज भी एक्टिवली जाते हैं। फैक्ट नंबर 15, आपको पता है जितने टाइप के जॉब्स अवेलेबल हैं, उसमें से किस तरह के जॉब्स आगे जाके डोमिनेट करेंगे। लिंक्डइन के एक पब्लिश्ड डेटा के हिसाब से ब्लॉकचेन डेवलपर नंबर 1 पे है, सेकंड में आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट, देन जावास्क्रिप्ट डेवलपर, उसके बाद रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन कंसल्टेंट, बैक एंड डेवलपर। इन जॉब्स को देखने के बाद तो ये पता चलता है कि फ्यूचर में किसी भी फील्ड में स्पेशलिस्ट लोगों की बहुत वैल्यू होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपग्रेड के बारे में बताना चाहूंगा। अपग्रेड इंडिया की लार्जेस्ट ऑनलाइन हायर एजुकेशन कंपनी है एंड इट हैज ब्रॉट अबाउट सम रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन द एजुकेशन फील्ड। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और आप अपने आप को एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से एडुकेट करना चाहते हो, तब आप अपग्रेड से घर बैठे बिल्कुल आराम से ये कर सकते हो। आप घर बैठे अपने आप को अपस्किल कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। अपग्रेड में आपको बहुत सारे वर्टिकल्स मिल जाएंगे, जैसे डेटा, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, फाइनेंस एक्सेट्रा, फ्रॉम द वर्ल्ड टॉप यूनिवर्सिटीज लाइक IIT मद्रास, IIIT बेंगलोर, लिवरपूल जॉन मॉर्स यूनिवर्सिटी, डेक्कन यूनिवर्सिटी, माइका एंड मेनी मोर। किसी भी फील्ड का कोर्स करके आप उसमें स्पेशलाइज कर सकते हो एंड ऑफ कोर्स यू कैन गेट अ गुड सैलरी हाइक बिकॉज ऑफ दैट। और सच्चाई यही है कि भविष्य जनरलिस्ट्स की नहीं, किसी भी फील्ड का संपूर्ण ज्ञान रखने वाले स्पेशलिस्ट का होने वाला है। मूव अप इन योर कैरियर विद स्पेशलाइजेशंस फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटीज ऑन अपग्रेड। आई वुड रिकमेंड यू टू चेक आउट अपग्रेड, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। फैक्ट नंबर 14, कैपिटोल हिल सिएटल में एक मिस्टीरियस सोडा वेंडिंग मशीन दिखा, और सबसे अजीब बात यह है कि इसके अंदर से रेयर और डिसकंटिन्यूड कैंस मिलते थे, उसमें से लोग खरीदते थे और रातों रात वो रिफिल भी हो जाता था। कई लोग जानने की कोशिश किए कि उसे कौन ऑपरेट करता है, कंपनी तो ऑफ कोर्स ऑपरेट नहीं करती। और साल 2018 के जून महीने में ये मशीन अचानक से गायब हो गई और वहाँ एक नोट छोड़ा हुआ था कि इट वेंट फॉर अ वॉक, और उसके बाद वो कभी नहीं लौटा। फैक्ट नंबर 13, एक यूनिक टाइप का एनिमल होता है जिसका नाम है साइगा एंटिलो, और ये दुनिया के सबसे यूनिक दिखने वाले जीव में से एक है। और इसे देखो, ये है बाबी रूसा, और ये भी दुनिया के सबसे यूनिक लुकिंग एनिमल्स में से एक है। इस बर्ड को देखो, इसका नाम है शोबिल, और ये बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एडुकेशन सेंटर में एक सुशी नाम की शोबिल मौजूद है, और अगर आप इसके पास जाने के बाद ऐसे झुक के नमन करोगे तभी ये आपको टच करने देगी, नहीं तो ये चली जाएगी पार्क के दूसरे तरफ। फैक्ट नंबर 12, 3 काउज US स्टेट नॉर्थ कैरोलिना में हरिकेन डोरियन के चपेट में आ गए थे। ओनर ने सोचा कि वो तीनों काउ मर गए, बट बाद में वही 3 काउज उसके ओरिजिनल जगह से 8 किलोमीटर दूर पाए गए। उस हरिकेन में बहुत सारे वाइल्ड हॉर्सेस और भी बहुत सारे जानवर अटलांटिक में सक हो गए थे, बट ये 3 लकी जानवर बच गए, और ये बहुत अनयूजुअल सी बात है। फैक्ट नंबर 11, ऑनिज्म एक बहुत यूनिक सी फीलिंग की नाम है। मान लो आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हो और आप ट्रेन का लिस्ट देख रहे हो बोर्ड में, और बगल में स्टाफ का रूम्स देख रहे हो, हर एक सेकंड कुछ न कुछ नए चीजों को देख रहे हो आप।
और जितना कुछ आप देख रहे हो आपको उतना ही रियलाइज हो रहा है कि इस दुनिया में ऐसी कितनी चीजें हैं जो कि आप मरने के पहले नहीं देख पाओगे। ये कितनी सैड बात है। इस दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में आप लाइफ टाइम में कभी भी अवेयर हो ही नहीं पाओगे। इसी फीलिंग को ऑनिज्म कहते हैं। फैक्ट नंबर 10, क्रूज शिप्स जो होते हैं उसका पॉल्यूशन लेवल जो होता है वो मैसिव होता है। एक दिन में एक शहर के 10 लाख कार्स जितना पॉल्यूशन करेंगे उतना एक शिप एक दिन के अंदर कर देगा। दैट्स रियली हॉरिफिक। शिप को पावर करने में इतना पॉल्यूशन निकलता है। फैक्ट नंबर 9, सिटी ऑफ मेलबर्न में एक पार्क में हर एक ट्री के ऊपर उसका ईमेल एड्रेस दिया गया था, उस ट्री का पर्सनल ईमेल एड्रेस, ताकि लोग उस ट्री से संबंधित प्रॉब्लम्स को रिपोर्ट कर पाएं। पर उन सारे ट्रीज के ईमेल आईडी पर लोगों ने लव लेटर्स भेजना शुरू कर दिया, जैसे लव यू माई ट्री, थैंक्स फॉर गिविंग अस ऑक्सीजन। 70,000 ट्रीज को एक एक करके ईमेल एड्रेस दिया गया था एंड इन सारे इनबॉक्स में लव और ग्रेटिट्यूड से भरा ईमेल भर गया। फैक्ट नंबर 8, ब्रिटिश कंपनी स्पेस बिट साल 2021 में ऐसे फिल्मी स्पाइडर रोबोट्स को मून पर भेजने का प्लान कर रही है और बाद में ऐसे कई स्पाइडर रोबोट्स को सेंड किया जाएगा और सारे स्पाइडर्स मिलकर ऐसे प्लेस को वहां पर मैप करेंगे जहां पर ह्यूमन कॉलोनीज को बनाया जा सके। फैक्ट नंबर 7, बर्नी क्रॉस जो कि एक साइंटिस्ट और म्यूजिशियन है वो अपने रिसर्च से इस कंक्लूजन पे आए कि बर्ड्स का गाना, उल्फ का हाउल और इंसेक्ट्स की आवाजें, ये सब जो नेचर का एक इंटीग्रल साउंड्स है जो कि होना चाहिए नेचर में, एक हेल्दी नेचर में, वो लास्ट 50 सालों से बहुत क्वाइटर हो गई है, कम हो गई है। फैक्ट नंबर 6, एल्यूमिनियम जो ये मेटल है ये दुनिया के सबसे रिसाइकलेबल मेटल्स में से एक है और दुनिया में जितने भी एल्यूमिनियम है उसमें से 75% अभी भी यूज में है, हाईली रिसाइकलेबल होने के चलते ये मेटल ऑलमोस्ट इनफाइनाइटली रिसाइकलेबल है। फैक्ट नंबर 5, जो हर चीज में फ्लॉ देखते हैं, हर चीज में फॉल्ट देखते रहते हैं, वैसे लोगों को स्मेल फंगस कहते हैं। फैक्ट नंबर 4, रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो कि स्पाइडरमैन होमकमिंग में सिर्फ 15 मिनट के लिए अपीयर हुए थे, वो $1 million पर मिनट यानी करीब 7 करोड़ रुपए पर मिनट के हिसाब से एक्टिंग का चार्जेस लिए थे। मींस 15 मिनट के रोल के लिए $15 million यानी 105 करोड़ रुपए। फैक्ट नंबर 3, डोनाल्ड हार्वे एक नर्स है जो कि जानबूझकर 37 पेशेंट्स को मारे थे और बहुत सालों तक मारने का काम करते आ रहे थे और वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पकड़े गए। जो इंसान पोस्टमार्टम कर रहा था डेड बॉडी का, उसके अंदर साइनाइड को स्मेल करने की जेनेटिक प्रॉपर्टी थी और वो डेड बॉडी से साइनाइड को स्मेल कर लिया था और इसी क्लू से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और इवेंचुअली ये पता चला कि वो नर्स सबको साइनाइड से मार रहा था और उसको अरेस्ट कर लिया गया। इस फैक्ट से और एक बात पता चलता है कि हर कोई साइनाइड को सूंघ नहीं सकता, कुछ में जेनेटिक एबिलिटी होती है जिसके चलते वो साइनाइड को सूंघ सकते हैं और उस पोस्टमार्टम करने वाले में भी यही एबिलिटी थी, जेनेटिक एबिलिटी। और एक फैक्ट जो कि है कि नर्स का मतलब सिर्फ लेडी ही नहीं होगा, मेन भी नर्स बन सकते हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि नर्स का मतलब ओनली लड़कियां, बट ये ट्रू नहीं है, मेन में भी नर्सेस होते हैं एक्चुअली में। फैक्ट नंबर 2, ऑक्टोपस ये जो जीव है इनमें एक बहुत ही डिस्टर्बिंग बिहेवियर पाया जाता है कि जब वो स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तब वो कभी कभी अपने ही आर्म्स या बॉडी पार्ट्स को खाने लगते हैं। या इट्स ट्रू, ये बहुत सारे ऑक्टोपसेस को करते हुए देखा गया। साइंटिस्ट्स को अभी तक यही पता है कि ये किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है जो कि ऑक्टोपस के सिस्टम को अटैक करके ऑक्टोपस को अपने हाथों को खाने पे मजबूर कर देता है, एक खतरनाक बीमारी। फैक्ट नंबर 1, सीसीटीवी जो होते हैं, सीसीटीवी इसमें सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? टीवी का मतलब तो आपने सही गेस कर लिया होगा, टेलीविजन, बट सीसी का मतलब क्या होता है? इट्स क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। इसमें क्लोज्ड वर्ड को इसलिए स्पेसिफाई किया गया है क्योंकि सीसीटीवी का सिग्नल पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, प्राइवेटली मॉनिटर्ड होता है सर्वेलेंस और सिक्योरिटी के लिए।
सोर्स CCTV इक्वल टू क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। और फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द अपग्रेड ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना और ऑफ कोर्स शेयर करना। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या आपको पता है कि जब ये जीव नदी से बाहर निकला तो लोकल लोगों ने पुलिस कॉल कर दिया कि ये आखिर है क्या। और आखिर में ये पता चला कि ये जो जीव है, मिस्ट्री टू बी रिवील्ड सून। और पता है बचपन में मेरे को ये लगता था कि ये जो मेरा दांत है ये यहीं तक सीमित होगा, मतलब दांत इस एरिया तक ही होगा। पर असल में इंसानी दांत, मतलब मेरा और आपका जो दांत है, वो आपके दिमाग से भी कनेक्टेड रहता है। नर्व्स के थ्रू कनेक्टेड रहता है ये दांत दिमाग से। हेंस द दर्द व्हेन द दांत इज टूटिंग, आई मीन व्हेन योर टूथ ब्रेक्स। इस वीडियो में आप ऐसे गजब फैक्ट्स को जानोगे ना कि आपके मुंह से दो वर्ड निकलेगा, खूब भालो, प्रचंड भालो। क्या होता है बंगला में? प्रचुर भालो। क्या वीडियो है यार। वैसे मेरे बालों पर ध्यान मत देना, बड़ा बड़ा बाल था, पर लॉकडाउन चल रहा है ना तो मम्मी घर में ही मेरा बाल काट दी, छोटा छोटा कर दी। इतना अच्छा लंबा लंबा हीरो ऐसा बाल था मेरा। फैक्ट नंबर 22, आपने बहुत सारे लैम्बोर्गिनी कार या फिर सुपर कार्स का एडवर्टाइजमेंट या फिर गेम्स में जो पोस्टर में होता है ना, जैसे देखो ऐसे ऐसा मस्त लैम्बोर्गिनी बारिश में जा रहा है, ऐसा पिक्स होता है बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स और गेम्स के पोस्टर में। तो बात ये है ना कि ये असल में कैसे बनता है आपको पता है? इसका पूरा स्टेज्ड सीन को देखो, मतलब हद है, मतलब क्रिएटिविटी की हद है। मेरा कहने का मतलब है, ये देखो ये ट्रेडमिल है, ठीक है, और ये छोटा सा कार है खिलौना वाला, और ये ट्रेडमिल पे इसे चला दिया जाता है और ऊपर से ऐसे पानी स्प्रे किया है, ओ माय गॉड, और फिर इसे कैमरा से शूट किया जाता है। मतलब देख रहे हो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स भी ऐसे ही बनते होंगे, पर आपको लग रहा होगा कि वो कार बारिश में रोड में जा रही है। That's amazing. Fact number 21. आपको ये तो पता है ना कि हर कैटेगरी में कोई ना कोई सबसे महंगी चीज होती है, दुनिया का सबसे महंगा कैमरा, दुनिया का सबसे महंगा होटल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो फोटो होता है, आप फोटो क्लिक किए, फोटो भी सेल होता है, और जो फोटो का कीमत होता है वो भी रिकॉर्ड तोड़ता है। तो दुनिया की सबसे महंगी फोटो की बात करें तो वो है फैंटम, और ये फोटो 2014 की है, और ये अमेरिका एरिजोना में मौजूद कैनियन का एक फोटो है। कैनियन का एक अजीब सा फोटो है मैं कहूँ तो, और ये बिका था $6.5 million में, मतलब करीब 42 करोड़ रुपए में ये फोटो बिका था। और जो फोटोग्राफर ने ये फोटो क्लिक किया था उनका नाम है पीटर लिक, और इन्होंने इतिहास बना दिया इस फोटो को बेच के। मतलब समझ रहे हो, एक फोटो के लिए 42 करोड़ रुपए, 1,01,00,000, 10 करोड़ की बात नहीं हो रही, 42 करोड़। फैक्ट नंबर 20, फिलीपींस में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है इजदान फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, और ये नॉर्मल रेस्टोरेंट से अलग है क्योंकि यहाँ पर खाने के साथ साथ आप सुंदर सुंदर प्लेट्स कप्स को तोड़कर अपने मन का भड़ास निकाल सकते हो। इसके बारे में मैं आपको और डिटेल देना चाहूंगा। इस दीवार पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है सिस्टर, मतलब अगर आप अपने बहन पे किसी बात पे गुस्सा उतरना चाहते हो तो कप लो और फोड़ दो उस पे। यहाँ पर एक्स वाइफ लिखा हुआ है, यहाँ पर सन लिखा हुआ है, मतलब अजीब है। और इतने सुंदर सुंदर अरेंज्ड प्लेट्स को कौन नहीं फोड़ना चाहेगा, सेटिस्फाइंग होता है ना। मतलब देखो कितना अच्छा से सजा हुआ है, फिर इसको मार के फोड़ दो, कितना सेटिस्फाइंग होगा। फैक्ट नंबर 19, और जो मैं दांत और दिमाग के कनेक्शन की बात कर रहा था उसका इमेज देखो। इसका आप 2D एनिमेशन तो देख सकते हो बहुत जगहों पर यहाँ पर देखो इसका एक्चुअल 3D कनेक्शन, आई मीन 3D रिप्रेजेंटेशन। दांत नर्व्स के थ्रू दिमाग से कनेक्टेड रहता है अलग अलग जगहों पे, और इसलिए दांत टूटने पर हमें ये इतना दर्द करता है। नहीं तो अगर सिर्फ दांत होता तो टूट गया हल्का होता, लेकिन इतना दर्द करता है। बचपन में सबका दांत टूटता है ना, आपको पता ही होगा। तो वो जो पेन होता है वो नर्व का टूट जाने की वजह से होता है, और खून भी इसलिए निकलता है। मतलब कि मान लो कि आपने हथौड़ा से लेकर अपना दांत तोड़ दिया खट 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 करके, तो अगर आप दांत तोड़ दोगे तो दांत तो गिरेगा ही, पर पता है वो आपके ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है, ये मैं बताना चाहता था।
फैक्ट नंबर 18, आपने एस्ट्रोनॉट का स्पेस सूट तो देखा ही होगा। तो स्पेस सूट आपने हर जगह देखा होगा किताबों में, इसमें पर स्पेस सूट के अंदर क्या होता है, मतलब इतना मोटा होता है स्पेस सूट, तो उसके अंदर क्या होता होगा? तो आपको ये कोई नहीं बताएगा, पर आज देख लो स्पेस सूट का अंदर का सीन ऐसा होता है। इसमें ऑक्सीजन स्टोरेज, वाटर स्टोरेज और बहुत सारी चीजें बारीकी से रखी जाती है, और इसलिए तो इसकी दाम जो है वो लाखों करोड़ों में जाती है स्पेस सूट का दाम। स्पेस सूट के अंदर का बहुत सारा आप इमेजेस देख लो, ये आप पहले शायद कभी नहीं देखे होंगे। फैक्ट नंबर 17, ये क्या है? पहले आप ये बताओ कि ये देखने में क्या लग रहा है आपको? ये देखने में कोई आपको रेस्टोरेंट या फिर रूम टाइप का लग रहा होगा, ठीक है, काठ का, इसमें चेयर बना हुआ है इधर कर्टेन से, पर ये फोटो है, पहले आपको पता है ना कि प्लेन्स में फर्स्ट क्लास होता है, सेकंड क्लास होता है, थर्ड, मतलब वही बिजनेस इकोनॉमी वही सब। तो फर्स्ट क्लास सबसे महंगा जो प्लेन का कैबिन होता है, तो 1930 में प्लेन्स में फर्स्ट क्लास कैबिन्स कुछ ऐसे होते थे, कर्टेन्स और प्लेन का सीट है ये, रियली। आजकल का सीट तो छोड़ दो, पहले के जमाने में ऐसे सीट्स होते थे। और ये जो आप देख रहे हो ये एक पैसेंजर प्लेन का इंटीरियर है। फैक्ट नंबर 16, अभी आपको बहुत अजीब फैक्ट लगेगा, ठीक है। क्या आपको पता है कि आपके घर में जो नींबू आता है और जो ऑरेंज आता है या कोई भी सिट्रस फ्रूट आता है, जैसे ऑरेंज, लेमन, ग्रेपफ्रूट, ये सब जो हमारे घर में आता है ना, वो मैन्युअली बनाया गया है। मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ लैब में, मतलब समझो जो नेचर देता है उससे हम लोग कई तरह का हाइब्रिड प्लांट्स बनाते हैं। मतलब दो प्लांट को मिक्स करके एक प्लांट को हम लोग जन्म दे देते हैं और वही दुनिया भर में उगाया जाता है और उसे हम लोग खाते हैं। पर उसका बाप, मतलब उसका ओरिजिनल क्या क्या मिक्स करके वो बना है, उसका चार्ट ये देखो, इंटरेस्टिंग सा चार्ट। जो आपके घर में ऑरेंज आता है वो पैमेलो और मैंडरिन से मिलके बनता है। मतलब ऑरेंज जब नहीं था इस दुनिया में तब यही दोनों थे, पर साइंटिस्ट को लगा कि चलो इसको मिलाकर हम लोग एक नए पेड़ को जन्म देते हैं और उसे पूरे दुनिया में फैला देते हैं ताकि हर जगह वो पेड़ जमे और वही चीज ऑरेंज बना और वही हम लोग घर में आता है। पर इसका बाप जो है वो पमीलो और मैंडरिन ही है। और लेमन की बात करें, नींबू, यहाँ तक नींबू भी ओरिजिनल नहीं है। मतलब कि अगर साइंटिस्ट्स को हाइब्रिड बनाने का आइडिया नहीं आता तो फिर हम लोग वही खाते हैं, पर साइंटिस्ट्स के चलते हम लोग नींबू खा पा रहे हैं। और नींबू अस्तित्व में आया बीटर ऑरेंज और सिट्रोन को मिला के। और मेरे ख्याल से आपने सिट्रोन तो कभी दुनिया में टेस्ट किया आप तो देखे भी नहीं होंगे, क्योंकि ये फैक्ट कोई बताता ही नहीं है। और एट लास्ट जो ग्रेप फ्रूट होता है वो पमेलो और स्वीट ऑरेंज को मिलाकर बनता है। फैक्ट नंबर 15, आपको पता है कि आग कहीं लग गया बिल्डिंग में तो उसे बुझाया कैसे जाता है? आप बोलोगे ऑफ कोर्स, क्या तू सिखा रहा है, ऑफ कोर्स फायर एक्सटिंग्विशर से, ठीक है। पेट में आग लग गई थी, आई लाइक इट, नीचे नहीं ऊपर ऊपर। तो क्या है ना कि फायर को बुझाने का नया नया तरीका भी आ गया है। एक होते हैं थ्रोएबल फायर एक्सटिंग्विशर्स, मतलब कि आप स्प्रे कर रहे हो उसके सामने जाके, वैसे के बदले एक बड़ा सा ट्यूब रहेगा और आप उसे फेंक दोगे तो वो जाके फायर को बुझा देगा, ऐसा। और दूसरा इफेक्टिव तरीका जो कि नया नया भी आया है वो है ड्रोन से फायर कंट्रोल करना। अब बोलो कि फायर कर्मचारी ऊपर जाके जो बुझाते हैं, ड्रोन कितना इजी रहेगा? ड्रोन जाके पानी मारेगा, हजारों ड्रोन मिलके तुरंत बुझ जाएगा। और ये धीरे धीरे आ रहा है, मतलब अभी पूरी तरह से नहीं आया है हर जगह पे, दुबई में यूजुअली यूज होता है, और इंडिया में आ जाए तो मजा आ जाएगा। मतलब फायर आया तो फिर ट्रैफिक में फंसने की जरूरत नहीं है, बस ड्रोन्स भेज दो और वो जाके बुझा देंगे। तो मैंने आपको फायर एक्सटिंग्विशर्स के साथ साथ दो नए तरीकों को बताया, थ्रोएबल फायर एक्सटिंग्विशर्स और ड्रोन फायर एक्सटिंग्विशर्स। फैक्ट नंबर 14, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। एक ऑफिस बिल्डिंग में एक रॉबर का टीम, रॉबरी करने वाला एक टीम गया एक ऑफिस में, और उनका प्लान ये था कि हम लोग जाएंगे उस ऑफिस में, सारे कंप्यूटर्स को चुरा लेंगे, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को चुरा लेंगे और उसे बेच के पैसा कमाएंगे, उनका ये प्लान था। और वो रैंडमली किसी भी ऑफिस में चले गए बिना जाने कि ये कौन कंपनी है और क्या है। तो क्या है कि जब वो ऑफिस में रॉबरी कर ही रहे थे तब वो देखे कि ये तो एक ऐसी कंपनी का ऑफिस है जो कि नॉन प्रॉफिट है, मतलब एक संस्था थी जो कि नॉन प्रॉफिट थी और वो बहुत सारे गुड कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को दी थी। तो जब उन्हें पता चला कि ये ऑफिस तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है, तो वो पता है क्या किए, वो चुराने के बाद सारे कंप्यूटर्स को वापस रख दिए और यहाँ तक एक नोट में कंपनी को सॉरी लेटर भी लिख के वो लोग चुपचाप
वापस चले गए। और आप अपने स्क्रीन पर जो लेटर देख रहे हो यही है वो लेटर। इसमें लोग ये लिखे हैं कि हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि हम लोग क्या ले रहे हैं, हमने आपका सामान वापस कर दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसे लोगों की जिंदगी में एक डिफरेंस आप बना रहे हो, हेल्प कर रही लोगों को आपकी ऑर्गेनाइजेशन, तो आप ये अच्छा काम करते रहिए, भगवान आप लोगों को खुश रखे। अजीब नहीं? ओह माय गॉश। फैक्ट नंबर 13। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब आप लोगों में से हर कोई को इस फैक्ट में मजा आ जाएगा। ये फोटो देखो और ये बताओ कि इस फोटो में क्या गलती है, मिस्टेक क्या है इस फोटो में, मतलब कुछ मिस्टेक लग रहा है आपको? ये इसमें मिस्टेक ये है कि ये एक फ्रिस्बी को फेंक रही है, ठीक है, ये जो हम लोग खेलते हैं जिससे। और ये जो शैडो आप यहाँ नीचे देख रहे हो, ये आप देख सकते हो कि इसका हाथ में फ्रिस्बी है, पर शैडो में ये क्या है? शैडो में हम लोग ये देख रहे हैं, परछाई में ये देख रहे हैं कि ये फ्रिस्बी उनके हाथ से निकल चुका है, पर एक्चुअल में तो वो उनके हाथ में है, तो ये भला कैसे पॉसिबल है? बहुत कोई कहेंगे कि एडिटेड है ये, यार समझो बात को, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं आपको एक कैमरा का एक प्रॉपर्टी सिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, कि आप ये जान लो, ध्यान से सुनना। एक रोलिंग शटर इफेक्ट नाम का एक इफेक्ट होता है, रोलिंग शटर। और रोलिंग शटर का मतलब ये होता है कि इस दुनिया का हर एक कैमरा, चाहे वो मोबाइल का हो या फिर चाहे वो DSLR का हो, सब जब भी फोटो क्लिक करते हैं ना, तब क्या होता है कि देखो व्हाइट बोर्ड में फोटो जो क्लिक होता है वो ऊपर से नीचे होता है, ऊपर से नीचे होता है। मतलब मेरा अगर ऐसे कह रहा है कि फोटो निकल गया, अब मैं पॉज हो गया, तो इसका मतलब ये जो कैप्चर हुआ है फोटो, ये ऊपर वाला पार्ट पहले हुआ है, ठीक है, नीचे वाला पार्ट उसके बाद में हुआ, फिर धीरे धीरे पूरा फुल फोटो आया है। ऐसा कुछ होता है कैमरे के अंदर का सिस्टम। तो इसीलिए इस फोटो में ये ऊपर का पार्ट पहले कैप्चर हुआ है और नीचे का पार्ट जो है वो फेंकने के बाद कैप्चर हुआ है। और इस फोटो में आप जो देख रहे हो, इस फ्रिस्बी को इतने जल्दी फेंका गया था ना, और उसका स्पीड इतना था कि वो कैमरा से भी ज्यादा फास्ट था, इसलिए ऊपर का तो ठीक आया है, पर जब वो कैमरा नीचे का पिक्चर बना रहा था, कैप्चर कर रहा था, तब तक वो फ्रिस्बी निकल चुका था। और पता है कैमरा के दुनिया में, फोटोग्राफी के दुनिया में, ये रोलिंग शटर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोगों में से हर कोई को इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि आपके मोबाइल का कैमरा ऐसे ऐसे फोटो लेता है, ये नहीं कि सिंगल गो में फच करके एक ले लिया, वैसे नहीं, वो ऊपर लेता है फिर नीचे आता है। दैट वाज द फैक्ट। फैक्ट नंबर 12। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस आइलैंड नाम की एक जगह है और वहाँ पर एक जगह पर एक ब्रिज है और ये एक बहुत ही फेमस ब्रिज है। और बात है ना कि इस आइलैंड में ये जो क्रैब्स है ना, ये बहुत रहते हैं। और क्या होता था ना कि ये मास माइग्रेशन करते थे, यानी ये रोड को पार करते थे पहले और गाड़ियां आके इनको दबा देती थी, मार देती थी गलती से। क्या हुआ ना कि वहां पर इस ब्रिज को स्पेशली बनाया गया ताकि ये आराम से ऊपर से मस्त माइग्रेट कर सके। मतलब वहाँ की गवर्नमेंट ने स्पेशली क्रैब्स के लिए, वहाँ की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रैब की पॉपुलेशन के लिए ये ब्रिज को स्पेशली बनाया है। और आप देख सकते हो कि क्रैब्स जब पार होते हैं तब कुछ ऐसा सीन होता है। That's गजब। फैक्ट नंबर 11। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको जानना जरूरी है। ये देखो कि कौन ब्लड टाइप को खून दे सकता है। इसका ब्लड ग्रुप ए माइनस है, वो ए प्लस, ए माइनस, ए बी प्लस और ए बी माइनस को दे सकता है अपना खून, और ओ प्लस, ओ माइनस, बी प्लस, बी माइनस को नहीं दे सकता। इसका ब्लड ग्रुप बी प्लस है, वो बी प्लस को दे सकता है, ए बी प्लस को दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता है। और इसका ब्लड ग्रुप ए बी प्लस है, वो सिर्फ ए बी को ही दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता अपना खून। और इसका ए बी माइनस है, वो ए बी प्लस और ए बी माइनस दोनों को दे सकता है खून। और जिसका बी माइनस है, वो चार ब्लड ग्रुप को अपना खून दे सकता है और वो खून उनमें यूज हो सकता है नॉर्मली, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डोनेशन की बात कर रहे हैं। जो भाई जिनका ब्लड ग्रुप ओ माइनस है, ये बहुत ही स्पेशल फैक्ट है, जिनका ब्लड ग्रुप ओ माइनस है वो सारे ब्लड ग्रुप को अपना खून दे सकते हैं, मतलब ये यूनिवर्सल डोनर हो सकते हैं। जिनका ओ प्लस है वो ओ ए बी, ए बी प्लस को दे सकते हैं, जिनका ए प्लस है वो ए प्लस और ए बी प्लस को दे सकते हैं। तो ये था खून का कुछ आइडिया। आपका क्या है ब्लड ग्रुप आपको पता ही होगा, और उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि आप किसको दे सकते हो खून जरूरत पे, जरूरत पड़ने पे। फैक्ट नंबर 10। ये जीव एक बार सामने के नदी से निकला और वहाँ के लोकल लोगों ने पुलिस कॉल कर दिया कि ये क्या है आखिर। ये एक रिवर से निकला था और सब लोग चौंक गए थे कि इतना बड़ा क्या है ये। बाद में ये पता चला कि ये एक एक्चुअली अजीब सा दिखने वाला एक जायंट सेलेमेंडर था। सेलेमेंडर इस जीव को कहते हैं और इसी का एक बहुत ही अलग वर्जन, मतलब कम पाए जाने वाला वर्जन, ग्रेट सेलेमेंडर पाया गया था। फैक्ट नंबर 9। इस टॉय कलेक्शन में आप देख सकते हो कि टॉम एंड जेरी, आपने क्या टॉम एंड जेरी देखा है? और उसमें आपने ये देखा ही होगा कि जेरी और टॉम मतलब कैसे लड़ते हैं और टॉम बीच बीच में पिसा जाता है, कहीं पे
उसको मारेगा तो वही शेप कैसे बन जाएगा ढोलक, या फिर कोई उसको स्प्रिंग से मारेगा तो वो भी स्प्रिंग जैसा बन जाएगा। ऐसा वियर्ड सा एनिमेशन हमें देखने मिलता है। तो इस टॉय कलेक्शन में आप देख सकते हो कि टॉम को कितने तरह से पीसा गया है और वो किस किस रूप में आया है। ये जो है लेफ्ट वाला, ये तो मुझे अच्छे से याद है, और ये जो देख रहे हो आप, ये जो बैठा हुआ है ऐसे शेप में, ऐसा मैंने बहुत बार देखा है टॉम एंड जेरी में बचपन में। आप भी बहुत कोई को रिकॉग्नाइज कर पा रहे होंगे। फैक्ट नंबर 8, आप सिनेमा हॉल तो देखे ही होंगे, मूवीज चलता है, पर क्या आपको पता है कि सिनेमा हॉल के पीछे क्या होता है? सिनेमा हॉल का जो बैकग्राउंड होता है, बिहाइंड द सीन्स, वो कैसा होता है? तो ये देखो, बिहाइंड द सीन ऑफ ए मूवी थिएटर। आप यहाँ पर अरेंजमेंट्स को देख सकते हो, इसके अलग अलग पिक्चर्स को आप देख सकते हो, और जो ओपेरा जैसा कुछ होता है ना, वो भी काइंड ऑफ एक स्टेज होता है, उसका भी बैकग्राउंड आप देख सकते हो। ये बिहाइंड द सीन्स अरेंजमेंट है। मतलब आपको स्क्रीन पर या फिर स्टेज पर तो बहुत कुछ दिखता है, पर असल में उसके पीछे बहुत वर्क लगता है वहाँ के लोगों का इनको ऑर्गेनाइज करने में। हम लोग तो मूवी देख के बस आ जाते हैं, पर ये दिमाग में आया है कि मूवी स्ट्रीम कहाँ से होता होगा, क्या कनेक्शन होता है, टाइम पे खत्म होने के बाद क्या उसको रिप्ले क्यों नहीं कर सकते हम लोग? ये सब सिनेमा हॉल के जो ऑफिशियल कर्मचारी होते हैं उन्हीं के पास ये पावर होता है। फैक्ट नंबर 7, 3 इडियट्स मूवी में आपने एक फेमस डायलॉग को सुना होगा कि हम लोग स्पेस में पेंसिल क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। मतलब ये फैक्ट बताया गया था कि नासा ने करोड़ों रुपए लगाकर स्पेस के लिए एक पेन इन्वेंट किया था जो कि स्पेस में चल सकता है, पहले पेन नहीं चलता था स्पेस में। तो आमिर खान सर का कैरेक्टर ये बोलता है कि जो हम लोग पेंसिल क्यों नहीं ले जाते स्पेस में, अगर स्पेस में पेन नहीं चलता है तो पेंसिल चला लो। तो बात यह है कि इसका कहानी ये है, नासा जब पहली बार एस्ट्रोनॉट को भेजा स्पेस में, तब उन्होंने देखा कि बॉल पॉइंट पेन जीरो ग्रेविटी पर काम नहीं करता स्पेस में, और करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगाकर और 2 साल का टेस्ट का नतीजा निकला एक पेन जो कि स्पेस में काम कर सकता है और कोई भी सरफेस कोई भी टेम्परेचर पर वो पेन चल सकता है। पर उन्होंने पेंसिल इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि पेंसिल जो है वो ग्रेफाइट से बनता है और वो हाईली कंडक्टिव मटेरियल है। मतलब अगर वो ग्रेफाइट के पार्टिकल्स वेंटिलेशन या फिर वहाँ के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में चल जाएं तो वो वहाँ आग लगा सकते हैं, और ऐसा हुआ भी बहुत बार। इसमें कई एस्ट्रोनॉट्स मारे भी गए पेंसिल यूज करने के चलते। फिर बाद में नासा ने आखिरकार एक ऐसा पेन निकाला जो कि चलता है स्पेस में। तो इसलिए ये जोक एक्चुअली सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि ये है इसका पीछे का साइंस। हम लोग पेंसिल यूज ही नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फिर आग लगाना है क्या स्पेस में? मतलब नासा ने करोड़ों रुपए लगाया, ये सही किया एक्चुअली में। फैक्ट नंबर 6, सर्कस तो आपको पता ही होगा। सर्कस मतलब जहाँ पर अजीब अजीब कारनामे करते हैं जानवर और इंसान मिलके और हम लोग देखते हैं। पर जर्मनी में एक सर्कस में होलोग्राम्स यूज होते हैं, पता है? आप अपने स्क्रीन पर देखो, ऐसा होलोग्राम यूज होता है क्योंकि रियल में कितने कम होते जा रहे जानवर, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं बहुत सारे जो अनकॉमन क्रिएचर्स, तो उन्हीं को लाने के लिए ये होलोग्राम यूज करते हैं और ब्यूटीफुली सर्कस को दिखाते हैं। जर्मनी का इस सर्कस का नाम है सर्कस रोनकैली, और दुनिया में ये पहला सर्कस है जो कि होलोग्राम का यूज करके लोगों को एंटरटेन कर रहा है। और एक बात है ना कि ये एक्चुअली सही है, क्योंकि पता है जानवर को लेकर जो सर्कस दिखाते हैं वो क्या करते हैं, बीच बीच में जानवर को टॉर्चर भी करते हैं और उन्हें परेशानी होता है। ऑडियंस तो देख के हंसता है, पर ये क्रूएल हो गया ना ये काम कि उसको दुख पहुंचा के तब लोगों को हंसाओ। तो इसका सॉल्यूशन है होलोग्राम। होलोग्राम में तो कुछ भी हम लोग दे सकते हैं ना, कुछ भी देख सकते हैं, और उसमें किसी जानवर का हर्ट भी नहीं हो रहा है और हम लोग को एंटरटेनमेंट भी मिल जा रहा है। ऑसम। फैक्ट नंबर 5, डोरो डैंगो नाम का एक जापानीज आर्ट फॉर्म होता है, और उसमें ये होता है ना कि मिट्टी का जो एक गोल बना के उसे पॉलिश किया जाता है तब तक जब तक वो ऐसा चमक न जाए। मतलब नॉर्मल मिट्टी का कैसा दिखता है ऐसा, इसको अगर मैं बोलूं कि आप शाइन कर दो तो कर पाओगे? बिना कोई पेंट उंट का यूज करके, सिर्फ उसको कर करके इतना पॉलिश करो कि मिट्टी भी चमक उठे, और यही किया जाता है जापान में, और इसका नाम है डोरो डैंगो। फैक्ट नंबर 4, पत्ता गोभी यानी कैबेज जो है वो कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा, पर क्या एक इंसान से बड़ा एक पत्ता गोभी हो सकता है? ऑफ कोर्स, असल में दुनिया में कुछ भी संभव है बाबू। ये जो पत्ता गोभी आप देख रहे हो, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, और ये 62.71 किलोग्राम का एक कैवेज है, और ये अमेरिका में उगाया गया था स्कॉट रॉब नाम के एक इंसान के द्वारा, और दुनिया में इससे बड़ा कैवेज और कोई नहीं उगा सका है। अगर आप दुनिया में इससे बड़ा कैवेज उगाने में किसी तरह सक्षम रहे तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आपका। पता नहीं क्या क्या करके कैसे उगाया होगा पता नहीं, पर ये रियल तो है, ये कोई आर्ट वर्क नहीं, ये रियल है, क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो ऑफिशियल अथॉरिटी मेंबर्स होते हैं उन्होंने कंफर्म किया कि ये एक एक्चुअल कैबेज है। इट्स गजब। फैक्ट नंबर 3, पता है चिकागो जो जगह है ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट सिटीज में से एक है, और ये अमेरिका में मौजूद है, यूएसए में। ये वही जगह
जगह है जहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने अपना स्पीच दिया था, और ये जगह अपने ठंड के लिए भी फेमस है। और क्या आपको पता है कि वहाँ का जो रेलवे ट्रैक होता है ना, वो इतना ठंड, उस पे ठंड का इतना असर पड़ता है ना कि ट्रैक पूरी तरह से एकदम कवर हो जाता है बर्फ से। और वहाँ की गवर्नमेंट को ट्रैक के ऊपर ना आग जलाना पड़ता है। वहाँ पर जब ट्रैक के ऊपर आग जलाया जाता है तब जाके वो कम से कम पटरी जिंदा रहता है काइंड ऑफ, और तभी ट्रेन्स वहाँ चल पाते हैं। अगर आग ना जलाया जाए ना तो ट्रेन्स बंद करने की नौबत आ जाएगी। ऐसी हालत है शिकागो की ठंड की। दैट्स ऑसम। और वहाँ पर बहुत सारे टर्बुलर हीटिंग सिस्टम्स और एयर ब्लोअर की मदद से ट्रैक्स को गर्म किया जाता है, तभी वहाँ पर ट्रेन चल पाती है, नहीं तो ट्रेन चल भी नहीं पाती। फैक्ट नंबर टू, टेलीफोन जो है उसका आविष्कार किया था, आपको पता ही होगा, ग्राहम बेल ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। और जब उनका देहांत हुआ, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई 2 अगस्त 1922 को, उसके बाद जब उनका फ्यूनरल हुआ 4 अगस्त 1922 को, तब पूरे अमेरिका और कनाडा का जो फोन लाइन है उसको 1 मिनट के लिए बंद कर दिया गया था, फ्यूनरल को मार्क करने के लिए कि उनकी आत्मा को शांति पहुंचे। दैट्स गुड, क्योंकि इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया जो कि पूरे दुनिया को बदल दिया, और ये करना बिल्कुल बनता है। और वो साइलेंस ठीक 1 मिनट तक उस दिन चला था इनके नाम पे, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पे। फैक्ट नंबर 1 के पहले, अगर आपने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच, पर अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सबसे इम्पोर्टेंट बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि इस चैनल के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए। फैक्ट नंबर 1, चलिए ब्यूटीफुल लाइफ ऑनलाइन मैगजीन का ये आर्टिकल देखते हैं। दुनिया के सबसे महंगे शूज, सबसे महंगे जूते, नंबर 20 पे लुइस वीटो मैनहट्टन रिच ए लियू मेन शूज। इसका प्राइस है $10,000 और इस जूते का कीमत है 7 लाख रुपए, और ये सबसे बड़े लग्जरी शूज में से एक है। नंबर 19 पे है नाइकी का एयर मैग। मैं सच कहूँ तो मैंने इस जूते के बारे में पहले भी पढ़ा है, नाइकी एयर मैग। ये ऐसा जूता है ना जिसका जो शूज लेस है वो अपने आप बन जाएगा, आप पहनोगे, आपका काम है बस डालने के, मतलब पैर डालना, पैर डालोगे तो फिर वो अपने आप आपके पैर के हिसाब से वो बंद जाएगा। आप चाहे तो बटन, वहाँ पर बटन रहता है, उसे प्रेस करके ढीला टाइट भी कर सकते हो। पर इसका प्राइस जो है ना वो है 18 लाख रुपीज। फिर आता है टेस्टोनी मेंस ड्रेस शूज, इसका प्राइस है 21 लाख रुपए। 1 मिनट, ये तो मेरे स्कूल का जूता जैसा लग रहा है। सच में मेरा स्कूल का जूता ऐसे ही है, सच में मैं मजाक नहीं कर रहा, लिटरली ऐसे ही है। और इसका डिटेल में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इनक्रेडिबली लाइट एंड वाटर रेसिस्टेंट, मतलब पानी और पानी से बचेगा, बस पानी से बचाने के लिए। कितना दाम बोला रे, कितना दाम बोला इसका, ओ मतलब पानी से बचाने के लिए हम लोग 21 लाख रुपए देंगे। फिर आता है टेस्टोनी शूज। टेस्टोनी कंपनी के सारे शूज का प्राइस लगभग इतना ही लगता है, और अगर हम लोग टेस्टोनी को सर्च करें गूगल में, ये तो है, ये है इटालियन लग्जरी शूज, इसलिए इसका दाम इतना है, $38,000, मतलब 26 लाख रुपीज। फिर आता है नाइकी का एयर फोर्स, आर्टिकल लिखने वाले ने लिखी दिया, नाइकी का सो कॉल्ड एयर फोर्स 1 सुप्रीम मैक्स, और इसका प्राइस है 35 लाख रुपए। डिजाइन दिखाओ तो एक बार, क्या बोलूं मैं, सही लिखा है सो कॉल्ड। फिर आता है 15 नंबर पे एयर जॉर्डन सिल्वर शूज, ओ चांदी का शू, जरा देखो तो इसे। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस शूज इज दैट दे आर क्वाइट कंफर्टेबल टू वियर। वारे, मुझे तो नहीं लगता चांदी पहन के मेरे को कंफर्टेबल फील होगा। इसकी प्राइस की बात करें तो ये 42 लाख रुपए में आती है, निजाम सिकंदर जहा शूज। जूता है ये तो, मजा लग रहा मेरे को। ओ ये चोरी कर लिए गए थे एक म्यूजियम से, लेकिन उसे वापस मिल गया, ये लिखा हुआ है इस आर्टिकल में, और फिर इसे वापस अपनी जगह पर रख दिया गया। और इसका प्राइस की बात करें तो है 1,12,00,000 का जूता। व्हाट द फैक्ट मैन, जूता नहीं मोजा। कैथरीन विल्सन्स पंप, वू हाई हील्स, ग्रेट। और ये एक ऑक्शन में, एक नीलामी में बेचा गया था 2,28,00,000 रुपए का। ये है इसका डिटेल देखो, ये तो सही लग रहा है काइंड ऑफ, मतलब बारीक आर्ट वर्क है। फिर आता है स्टुअर्ट विट्समैन डायमंड ड्रीम स्टिलेटोस। एर ये क्या है, ऊपर वाला तो ठीक था, ये क्या, ये हवाई चप्पल में हील लगा दिया साला। Oh my gosh! इसका प्राइस है 3,50,00,000 रुपए। हवाई चप्पल का 3 करोड़,
नंबर 11 पे है स्टुअर्ट्स विड्समैन मैरिलिन मोनरो शूज। इसे मैरिलिन मोनरो ने खुद पहना है और इसलिए इसका प्राइस है 7 करोड़ रुपए। आगे में गुलाब लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 10 स्टुअर्ट्स विड्समैन रेट्रो रोज पंप। इसका प्राइस है, इसमें भी वही गुलाब लगा हुआ है, 1 मिलियन, 7 करोड़ रुपए। लेकिन ये देखने में थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे। नंबर 9 पे है स्टुअर्ट्स विड्समैन प्लैटिनम गिल्ड स्टिलेटोस। इसका प्राइस है 1.09 मिलियन डॉलर्स, मतलब 7 करोड़ 6 लाख रुपए। ये भी देखने में ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये रोस्ट करने का लायक नहीं है, ठीक ही है। नंबर 8 पे है स्टुअर्ट्स विड्समैन, खाली स्टुअर्ट्स विड्समैन ही आएगा और कुछ नहीं। नंबर 8 पे है स्टुअर्ट्स विड्समैन विजार्ड ऑफ ओज रूबी स्टिलेटोस, 1.6 मिलियन डॉलर्स, मतलब करीब 11 करोड़ 20 लाख रुपीज। क्या डिजाइन है, ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, मतलब ये रिबन कहाँ से आ गया जूता में। हाँ, लेकिन नीचे वाला डायमंड जैसा कुछ देखने में सही लग रहा है। फिर नंबर 7 पे है टॉम फोर्ड कस्टम बाय जेसन एरेस्टबेन। इसका प्राइस है 14 करोड़ रुपए। ऐसा जूता मेरे दादाजी भी पहनते हैं। मतलब ये 14 करोड़ में देगा, वाह। पर रुको रुको, यहाँ ये लिखा हुआ है ना कि इसमें 2000 मैन आवर्स लगा है, 2000 घंटों का हाथ का काम। इसे कम्प्लीट करने में 1 साल लग गया है। सॉरी जूता, मुझे माफ कर दो। आई रोस्टेड यू, आई जस्ट वांट अस, माफ कर दो मुझे। स्टुअर्ट्स विड्समैन टैंजेनाइट हील्स, 2 मिलियन डॉलर्स, मतलब वही 14 करोड़ रुपए। ये अब इसके बारे में क्या कमेंट करो, आगे बढ़ते हैं। स्टुअर्ट्स विड्समैन सिंड्रेला स्लीपर्स, ये भी 2 मिलियन, ये भी 14 करोड़ रुपए। ये तो बहुत सिंपल है, इतना दाम क्यों है इसका। नंबर 4 पे है स्टुअर्ट्स विड्समैन रीता हेवर्थ हील्स, 3 मिलियन डॉलर्स, 21 करोड़ का जूता। इसका पैर भी नहीं हट रहा है इस लेडी का इसमें शायद। नंबर 3 अब आएगा महंगा महंगा वाला, गजब गजब वाला, हैरी विंस्टन रूबी स्लीपर्स। Oh my gosh, 21 करोड़ रुपए। नंबर 2 पे है डेबी विंगम हाई हील्स, 105 करोड़ रुपए। क्या 105 करोड़ रुपए का जूता, what the fact man। इसका डिजाइन क्या बोलूं मैं, मतलब ये तो लग रहा है इसमें पैर डालने पे पैर ही टेढ़ा हो जाएगा, इतना हाई हील्स। लिमिट होना चाहिए, एक गवर्नमेंट लिमिट लगा हाई हील्स के ऊपर। नंबर 1 पे आता है जेदा दुबई एंड पैशन ज्वेलर्स पैशन डायमंड शूज, मोस्ट एक्सपेंसिव शूज, 17 मिलियन डॉलर्स, यानी 119 करोड़ का जूता। यही है 119 करोड़ का जूता। देखो भाइयों और उनकी बहनों, ये है ये जूता 119 करोड़ का। ये प्योर गोल्ड से बना हुआ है इसलिए इसका प्राइस इतना है, और ये दुनिया का सबसे महंगा जूता है, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव शूज। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था 82 करोड़ की बाइक, चलो बाइक था, इंजन था, इतना वियर्ड सा शेप था, कारीगरी था, इसलिए 82 करोड़ चलो हम लोग मान सकते हैं। हजम नहीं होता तब भी मान सकते हैं कि वो बाइक 82 करोड़ की थी, पर ये जुत्ती 119 करोड़ रुपए की जुत्ती। ओ माय गुत्ती। रॉबिन्सन R22 नाम का एक हेलीकॉप्टर आता है, एक पर्सनल हेलीकॉप्टर, और ये 1-2 करोड़ में मिल जाएगा। तो मैं 119 करोड़ में 80 हेलीकॉप्टर्स खरीद सकता हूँ, ये वाला रॉबिन्सन R22। तो इसका मतलब 80 हेलीकॉप्टर्स इक्वल टू ये जुत्ती। उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं इस जुत्ती को उठा ले। और फ्रेंड्स, अगर आप मसल बिल्ड करना, सिक्स पैक्स बनाना या बॉडी को शेप में लाना चाहते हो तो आप स्टनिंग मी ऐप को एज अ गाइड यूज कर सकते हो एक्सरसाइजेस के लिए। लिंक नीचे है, आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, और सबसे ज्यादा मजा आपको किस फैक्ट में आया नीचे कमेंट जरूर करना, और वीडियो को खुलकर शेयर भी कर देना। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर इनमें फॉलो नहीं किया तो जाकर फॉलो कर लो, इनके भी लिंक्स वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।